Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Hello everyone. Welcome to my online classroom. Hope you all are fine at your home. Yes, grade 3. Today we are discuss about the birth of Holy Prophet, peace be upon him. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was born in Mecca in Arabia on the 12th of Rabiul Awwal, 571 AD. Hazrat Muhammad, peace be upon him, Mecca mein paida hue, Arabia Arab mein on 12th of Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal ko. He was born, wo paida hue into the noble tribe, ek Sharif kabile mein of Quraysh, Quraysh ki Sharif kabile mein paida hue. His father's name was Abdullah. Aapke jo father थे आपके जो बाबा थे उनका नेम अब्दुल्ला था एंड हिज मदर्स नेम वाज आमिना और उनकी जो अम्मी थी उनकी वालदा थी उनका नाम था आमिना. हिज फादर डाइड a few months before his birth. उनके फादर की डेथ हो गई, वो फोर्थ हो गए थे उनके पैदा होने से कुछ मंथ्स, कुछ महीने पहले. इट वॉज द कस्टम अमंग द अरब्स. उस टाइम ये रिवायत थी, कस्टम थी एक अमंग द अरब्स, अरब में इन दोज डेज, उन दिनों में, टू गिव देयर न्यू बॉर्न बेबीज, के जो नए बच्चे पैदा होते, न्यू बॉर्न बेबीज होते, टू फॉस्टर मदर, तो उनको दूध पिलाने वाली माओ को दे देते, मतलब कि रजाई माओ को दे देते थे. वो एक औरतें होती थी उस टाइम में जो दूसरों के बच्चों को लेके उनकी परवरिश करती थी, उनको पालती थी, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे वो उनको वापस ले लेते थे. दे वुड टेक देम इन टू द डेजर्ट, वो उनको लेंगे एक डेजर्ट में, रेतले इलाके में, टू बी nursed for a few years, उनको कुछ सालों के लिए उनकी परवरिश करने के लिए. The health of the children would improve and they learned to speak pure Arabic. इससे वो हेल्दी हो जाते थे वो बच्चे, और उनकी जो अरबी वो बोलना, बहुत अच्छी अरबी बोलना उनको आ जाती थी, वो वहाँ अरबी बोलना सीख लेते थे. A few days after his birth, उनकी पैदाइश के कुछ दिनों के बाद हज़रत मोहम्मद पीस पे अपॉन हिम वाज गिवन इन द केयर ऑफ बीबी हलीमा. तो होली प्रॉफिट को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया बीबी हलीमा को. शी टुक हिम होम विद हर, वो उनको अपने साथ अपने घर ले गई. शी नर्स्ड हिम एंड टुक केयर ऑफ हिम, वो उनको उनका ख्याल करती और उनकी केयर. Grade 3, I hope you people got it. If you get any confusion, any difficulty, so let me know. I explain it again. Goodbye. Take care.